अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे मुल्क के बारे में बताएंगे जहां वालदैन अपनी बच्चियों को एक ऐसे बाज़ार में ले जाते हैं जहां उनके लिए दुल्हा तलाश किया जा सके, जबकि कुछ वालदैन अपने बच्चों को इस बाज़ार में इस आस उम्मीद पर ले जाते हैं कि उन्हें अच्छी और सेहतमंद दुल्हन मिल सके। आज जिस मुल्क के बारे में हम आपको बताएंगे, ये यूरोप का सबसे कदीम मुल्क है और ये मुल्क सकाफ़ती लिहाज से भी काफ़ी अहमियत रखता है और ये यूरोप का शायद एक ही मुल्क है जिसने आज तक अपना नाम तब्दील नहीं किया। इस मुल्क का नाम बल्गारिया है। आपने सस्ते बाज़ार और इतवार बाज़ार के बारे में तो सुन रखा होगा और यकीनन इन बाज़ारों से ख़रीदारी भी की होगी, लेकिन इस वीडियो में जिस बाज़ार के बारे में हम आपको बताएंगे, ये अपनी नौइयत का एक अनोखा बाज़ार है जहां माँ बाप अपने बेटों और बेटियों के रिश्ते तलाश करने आते हैं। यानी कि इस बाज़ार में माँ बाप अपनी बेटियों को फरोख्त करते हैं और लड़के वाले सस्ती लड़की तलाश करने इस बाज़ार में आते हैं। ब्राइड मार्केट यानी दुल्हन बाज़ार के नाम से मौजूद ये बाज़ार साल में 4 बार लगाया जाता है। कहा जाता है कि यह बाज़ार नुमा मेला कदीम तौर से चला आ रहा है जिसमें लड़के और लड़कियां अपने हमसफ़र को तलाश करते हैं। बल्गारिया के शहर स्तारजा होरा के कर्जिए कबीले के तकरीबन 18,000 अफराद इस मेले में शरीक होते हैं। ये लोग बहुत पसमानदा ज़िंदगी गुजारते हैं लेकिन अपने ही कबीले में रिश्ते तलाश करने की कोशिश करते हैं। इस मेले में जवान लड़के और लड़की को ये मौका दिया जाता है कि वो एक दूसरे के साथ डांस करें, लेकिन आम हालात में इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जाती। इस कबीले के लोग बाज़ औक़ात अपनी बच्चियों को 16 साल या इससे भी कम उम्र में स्कूल से निकाल देते हैं। ये लोग अपनी बच्चियों को स्कूल से इसलिए निकलवा देते हैं ताकि उनकी बच्ची किसी से प्यारो मोहब्बत या फिर शैतानी हरकत में मुब्तला ना हो जाए। इस मेले में जब लड़का और लड़की आपस में मिलते हैं तो इनके वालदैन दूर खड़े होकर ये मंज़र देख रहे होते हैं, और अगर लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद कर लें तो लड़के के वालदैन लड़की के वालदैन को नकद पैसे देकर लड़की को ख़रीद लेते हैं। आमतौर पर एक लड़की का रेट 2,200 से 4,400 पाउंड तक होता है, जो पाकिस्तानी रुपयों में 3.5 लाख से 7.5 लाख बनते हैं। लेकिन हाल ही में बल्गारिया में आने वाले क्राइसिस की वजह से ये दुल्हनें अभी सस्ते दामों में ख़रीदी जा सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।